वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सिबिल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको पढ़ा दिया कि क्रेडिट ब्यूरो ये क्या होते हैं और स्कोरिंग क्या होती है क्या नहीं, वेंटेज स्कोर, फाइको स्कोर, ये सारी हिस्ट्री मैंने आपको पिछले 3-4 लेक्चर्स में क्लियर करवाई, सिबिल रिपोर्ट रीड करनी सिखाई। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल कि जो सिबिल रिपोर्ट है उसके अंदर जो आपका सिबिल स्कोर है वो एक कैसे इम्पैक्ट होता है, या आपका जो क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर मत नाम दीजिए, आप क्रेडिट स्कोर नाम दीजिए, कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसे इम्पैक्ट होता है और उसको ठीक कैसे रखना है और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उस क्रेडिट स्कोर को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अब मजा आएगा आपको सीखने में इस चीज के बारे में। लॉजिकली बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे इसके ऊपर। और नेक्स्ट जो एक छोटा सा पॉइंट कि अपना सिबिल स्कोर को कैसे चेक किया जाए और क्या खर्चा आपको करना पड़ेगा अपना सिबिल स्कोर चेक करने के लिए। तो आइए, इन दोनों चीजों के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आराम से समझिएगा। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो, रेदर देन कि मैं बात करूं कि मैं किसी बैंकिंग पर्सोनल को या जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन है कि जो बैंकिंग में ज्वाइन करना चाह रहा है उनको एड्रेस कर रहा हूं, तो ये जनरल पब्लिक के लिए ही है आज का जो लेक्चर। मतलब कोई भी सुने, आम पब्लिक सुने, बिजनेसमैन सुने, कोई भी सुने, उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस सबकी लाइफ में है आज के टाइम पे। तो इस लेक्चर को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि इस टॉपिक पे कि सिबिल स्कोर आपका इम्पैक्ट कैसे होता है और उसको कैसे ठीक करना है। तो देखिए, जो आपका सिबिल स्कोर है, या मैं इसको सिबिल स्कोर नाम नहीं दूंगा, मैं इसको क्रेडिट स्कोर नाम दूंगा आपका। जो आपका क्रेडिट स्कोर है, चाहे वो आपने सिबिल कंपनी से निकाला है, सिबिल कंपनी से जनरेट करवाया है, या इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, क्रिफ किसी से भी जनरेट करवाया हो, जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो कुछ फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो उसके स्कोरिंग मॉडल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको 2-3 लेक्चर्स पहले स्कोरिंग मॉडल्स बताए थे, जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए था फाइको, फेयर आइजैक कॉरपोरेशन एंड वेंटेज स्कोर, और भी हैं पर वर्ल्ड में ये दोनों ही सबसे ज्यादा फेमस हैं। तो हो सकता है कि आई डोंट नो कि सिबिल वेंटेज स्कोर वाला एल्गोरिदम यूज करके आपका स्कोर जनरेट कर रहा है, या फाइको मॉडल लगा के आपका स्कोर जनरेट कर रहा है, या कोई और मॉडल यूज कर रहा है स्कोर जनरेट करने के लिए। बट जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है और जो अंडरलाइन थ्योरी है वो सबकी सेम है। आपको उस अंडरलाइन थ्योरी को पकड़ना है, आपको कोई रटाफिकेशन नहीं करना कि फाइको ऐसे करता है, वेंटेज ऐसे करता है। ठीक है, अंडरलाइन चीज को पकड़ना है आपको। तो जो ये स्कोरिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो ये आपका स्कोर डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका 750 स्कोर आ गया, 750 स्कोर आ गया, तो अब ये स्कोर कैलकुलेट करने, अब ये लोग ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कैसे डिसाइड करते हैं कि आपका स्कोर 750 होना चाहिए, 780 होना चाहिए, या 720 होना चाहिए, 725 होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो मैं इसमें फाइको और वेंटेज स्कोर के जो अलग अलग मॉडल्स हैं उनकी एग्जाम्पल लूंगा। देखिए, जो वेंटेज स्कोर है और जो फाइको स्कोरिंग मॉडल है, इनकी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी है। तो देखिए, 5-6 फैक्टर्स हैं जो ये जो स्कोरिंग मॉडल्स हैं या जो स्कोरिंग कंपनीज हैं वो अपने माइंड में लेके चलती हैं आपका स्कोर डिसाइड करने के लिए। तो अगर आपका 750 का स्कोर है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर, या जिसको आप सिबिल स्कोर भी बोलते हैं, क्रेडिट स्कोर 750 है, तो 750 का अगर वेंटेज स्कोरिंग मॉडल यूज कर रहे हैं तो 40% कॉन्स्टिट्यूट, इस स्कोर का 40% कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी पेमेंट हिस्ट्री का कंडक्ट है, कि आपने अपनी हिस्ट्री, अपनी पेमेंट्स को टाइमली रिपे किया या नहीं किया। खैर, मैं इनके मीनिंग आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपने अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपने लोन्स को टाइमली रिपे किया कि नहीं किया, इस चीज का 40% इंपैक्ट पड़ता है आपके स्कोर के ऊपर। ठीक है, अगर फाइको स्कोरिंग मॉडल है तो 35% इंपैक्ट पड़ता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है कि अगर आपको 1,000 रुपये का लिमिट दिया गया, 1,000 रुपये का लिमिट दिया गया, और अगर आपने उसमें से सिर्फ 200 को ही यूज किया है,
यानी कि खाली 20% यूज किया है, तो दैट मीन्स आप उस तरह हार्डकोर यूटिलाइजेशन करने वाले बंदे नहीं है, कि इतने नेक टू नेक चलने वाले बंदे नहीं है कि आपको 1,000 रुपया का ही क्रेडिट दिया बैंक ने और 1,000 का 1,000 आपने पूरा यूज कर रखा है, और कल को कोई एक्सीजेंसी करने के लिए आपके पास कुछ और बेनिफिट फिर क्रेडिट साइड पे है ही नहीं, आपको और लोन लेना पड़ेगा, काइंड ऑफ दैट। तो अगर आप लो यूटिलाइज करते हैं तो बेटर माना जाता है स्कोरिंग में। तो 20% स्कोर जो आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है कि आपकी यूटिलाइजेशन का परसेंटेज। एज एंड मिक्स ऑफ क्रेडिट, कि आपकी लोन हिस्ट्री कितनी पुरानी है, आप नए तो नहीं है कहीं लोन हिस्ट्री में। अगर फॉर एग्जांपल आपने लोन फर्स्ट टाइम लिया है, अभी आपको पुराना लोन आपका 6 महीने पहले ही चल रहा था, तो आपकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। तो दैट मीन्स जो स्कोरिंग एजेंसीज हैं वो ये देखती हैं कि भाई ये बंदा तो अभी 6 महीने पुराना है, इसने 6 महीने पहले ही अपनी जिंदगी का पहला लोन लिया था, तो अभी इस बंदे के बारे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि आगे चल के ये कैसा परफॉर्म करेगा। पर आपके अगर सिबिल में, आपके अगर लाइफ में ऐसे लोन्स रहे हैं जिनकी एज बहुत पुरानी थी, जैसे मान लीजिए 5 साल पहले आपने लोन लिया था, वो अभी तक आपका चल रहा है और ठीक चल रहा है, तो एक उसका एक फैक्टर मिलता है आपको, उसका एक बेनिफिट एडवांटेज मिलता है कि पुराना लोन 5 साल से बंदा ठीक चला रहा है, तो मतलब 5 साल से ये बंदा ठीक काम कर रहा है। मिक्स ऑफ क्रेडिट होता है कि आपने अपने जिंदगी में जो लोन्स लिए हैं वो कोई ऐसे तो नहीं है कि आप सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन्स ही उठाई जा रहे हैं 16-16, 20-20% ब्याज वाले, या आपके पास कोई मॉर्गेज लोन भी है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, आपके पास मतलब वैरायटी ऑफ लोन्स हो, ऐसा ना हो कि आप सारी सारे सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन ही उठा रखे हैं और आपको कोई लोन ही नहीं मिल रहा। तो मिक्स ऑफ क्रेडिट, इसकी भी 20% इंपॉर्टेंस। फाइको स्कोरिंग मॉडल में क्रेडिट यूटिलाइजेशन की 30% इंपॉर्टेंस है, एज एंड मिक्स ऑफ क्रेडिट की कुल मिला के 25% इंपॉर्टेंस है, राइट। अगेन वेंटेज स्कोर में एक्सपोजर, एक्सपोजर मींस कि बहुत ज्यादा डेट तो नहीं आपने ले रखा, बहुत ज्यादा डेट तो नहीं ले रखा, कि ये तो नहीं है कि लोन ही लोन, लोन ही लोन आपके उसमें आ रहे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस 6% है। रीसेंट लोन्स, रीसेंट लोन्स मींस कि रीसेंट लोन इंक्वायरीज, आपने रिसेंटली पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, पिछले 2 महीने में कितने लोन्स और ले लिए, ये तो नहीं है कि पिछले 1-2 महीने में ही आपने 7-8-10 लोन उठा लिए, या आपके सिबिल में लोन इंक्वायरीज इतनी आ गई कि आपने 20 जगह पे फाइल लगा दी अपने लोन के लिए और 200 जगह पे आपका सिबिल रन हो गया और 20 जगह पे आपका रिपोर्टिंग आ गई कि 20 जगह पे इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो उस चीज का भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसकी 11% वेटेज है वेंटेज स्कोर में, और फाइको स्कोर में इसकी 10% वेटेज है। अदर फैक्टर्स तो छोड़ दीजिए, कि अदर जो छोटे मोटे फैक्टर्स होंगे उनकी 3% वेटेज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो आपका स्कोर है कुल मिला के, जो आपका क्रेडिट स्कोर है, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स से डिटरमिन होता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके स्कोर को डिटरमिन करते हैं। तो मैं इन फैक्टर्स के बारे में आपको वन बाय वन समझाना चाहूंगा। सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहला जो फैक्टर फैक्टर है वो है पेमेंट हिस्ट्री का। पेमेंट हिस्ट्री क्या होती है? पेमेंट हिस्ट्री होती है कि यू शुड पे ऑल योर लोन ऑब्लिगेशंस ऑन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, बस। यानी कि आपको अपने लोन की ईएमआई, लोन का ब्याज, लोन की प्रिंसिपल, जो भी भुगतान आपको लोन का करना है, जब बैंक ने आपको बोला है कि ये आपकी ड्यू डेट है पेमेंट की, तो उसी डेट को आपको पे करना है, उसको उससे डेट को या उससे पहले जब भी उसको आपको रीपे तब करना ही करना है। अगर आप इसमें डिले करते हैं तो आपकी पेमेंट हिस्ट्री क्या हो जाती है? डेलिंक्वेंट हो जाती है। डेलिंक्वेंट मीन्स खराब हो जाती है आपकी पेमेंट हिस्ट्री, तो उसका आपके सिबिल के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सिबिल के ऊपर आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सिबिल मतलब आप सिबिल मत समझिए, आप स्कोर समझिए, कि क्रेडिट स्कोर के ऊपर उसका आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आपका स्कोर गिर जाता है। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताना चाहूंगा, इसमें आपको कुछ मैं पॉइंटर्स बताना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो लोन्स जो आपने ज्वाइंट कैपेसिटी में लिए हैं, ज्वाइंट कैपेसिटी में लिए हैं, या जिनमें आपने खाली गारंटी दी है,
या जिनमें आपने खाली गारंटी दी है उन लोन्स का ध्यान रखिए, कीप देम ऑन चेक। क्यों? मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जैसे क्लाइंट ने अपने दोस्त के लोन में या अपने इंप्लॉई को लोन दिलवाने के लिए उसके लोन में गारंटी दे दी, लोन उसका नहीं है, अपने फ्रेंड को लोन दिलवाना था या अपने इंप्लॉई को लोन दिलवाना था, बैंक को उस इंप्लॉई पे या आपके दोस्त पे भरोसा नहीं था या आपके रिश्तेदार पे भरोसा नहीं था, उन्होंने देखा कि ये बंदा बढ़िया है, यानी आप बहुत बढ़िया बंदे हो, आप बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाले हो, आप अपनी गारंटी दीजिए तो हम इनको लोन दे देंगे। आपने बोला कि चलो यार यारी दोस्ती है या भाईचारा है या मेरा इंप्लॉई है गरीब है तो ठीक है मैं गारंटी देता हूँ इनको लोन दिलवा देता हूँ, ठीक है वो बुरी बात नहीं, आपने लोन दिलवा दिया, पर आप ये ध्यान रखिए कि खाली आपने चाहे गारंटी भी दी है लोन पे करने के लिए जिम्मेवार वही लोग हैं, लोन पे करने के लिए वो लोग जिम्मेवार हैं, आप गारंटर हो, पर फिर भी आपके सिबिल रिपोर्ट में, सिबिल रिपोर्ट में वो लोन आएगा, वो लोन आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, उस पर लिखा होगा कि आप इस लोन में गारंटर हैं खाली। बट इसमें दिक्कत क्या है कि जो इंप्लॉई को, रिश्तेदार को, यार दोस्त को जो आपने लोन दिलवाया, अगर उसने उस लोन की ईएमआई को टाइम पे रीपे नहीं किया, टाइम पे उस लोन को रीपे नहीं किया, तो आपके सिबिल में भी वो रिपोर्ट हो जाएगा कि ये लोन टाइमली रीपे नहीं हो रहा, टाइमली रीपे नहीं हो रहा, चाहे रीपे करने के लिए जिम्मेवार वो था, टाइमली रीपे नहीं हुआ तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा और आपका स्कोर गिर जाएगा। तो सिमिलरली ज्वाइंट कैपेसिटी वाले लोन्स में होता है कि जैसे आपने मान लीजिए आपका फादर फादर साहब है वो नौकरी पेशा है, आप बेंगलोर, फादर आपके पंजाब में रहते हैं, आप बेंगलोर में सेटल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं बेंगलोर में, फादर ने लोन ले लिया, आपने ज्वाइंट उनके साथ ज्वाइंट कैपेसिटी में मिलके एक लोन ले लिया, फादर ने बोला बेटा तू अपना बेंगलोर में काम कर, मैं यहाँ पे पंजाब में अपने काम से इस लोन को संभाल लूंगा, मैं रीपे कर दूंगा इस लोन को, तो ज्वाइंट कैपेसिटी में आपने दोनों ने मिलकर लोन ले लिया, तो क्या हुआ कि पता लगा कि फादर साहब आपके इतने एजुकेटेड नहीं थे मॉडर्न चीजों के बारे में, उन्होंने लोन को आराम से 30-45 दिन के बाद बाद रीपे ड्यू डेट के बाद पे करना शुरू किया, टाइम पे रीपे नहीं किया, और उसकी वजह से क्या हो गया, उनका तो खुद सिबिल खराब होना ही होना था, तो साथ में आपका सिबिल भी क्या हो गया, डेलिक्वेंट हो गया, डेलिक्वेंट हो गया, और उससे क्या होगा आपका स्कोर जो है वो खराब हो जाएगा, स्कोर आपका खराब हो जाएगा। तो इसकी आपको पता ही है कि मोस्ट मोस्ट सबसे ज्यादा वेटेज किसी भी सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर में पेमेंट हिस्ट्री की होती है, तो इसके ऊपर आपको खास ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी पॉइंटर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, इनकरेक्ट रिपोर्टिंग बहुत प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसिस है, बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्कमस्टांसिस है मेरे सामने जो मैंने अपने करियर में देखे हैं कि लोन आपका था ही नहीं पर आपकी रिपोर्ट में आ रहा है, आपकी सिबिल रिपोर्ट में, आपकी सिबिल रिपोर्ट में लोन आ रखा है बट वो आपका है ही नहीं, वो आपका है ही नहीं, गलत रिपोर्ट हुआ हुआ है, आपका है ही नहीं और उसमें डेलिक्वेंसी है, उसमें लोन की रीपेमेंट टाइम पे नहीं हो रही वो, और वो आपका लोन है ही नहीं, या लोन आपका ही था, आपका ही था, आपने पे कर दिया पूरा, आप लोन बंद कर चुके हैं बट बैंक ने क्या किया कि कुछ 500-700 रुपए के चार्जेस उसमें डाल दिए, कुछ 500-700 रुपए के चार्जेस उस लोन में खड़े कर दिए जो आपको भी नहीं पता था कि पैसे पड़े हैं जो पेमेंट करने वाले 500-700 रुपए, और वही पैसे जो हैं वो चलते आ रहे हैं ओवरड्यू में और उनको बैंक ने डेलिक्वेंट दिखा रखा है कि ये 500-700 रुपए जी हमें मिले नहीं, ऐसा भी होता है, ये भी एक इनकरेक्ट रिपोर्टिंग है, गलत रिपोर्टिंग है। थर्ड चीज, लोन भी आपका ही था, लोन आपका ही था, आपने टाइम पे रीपे किया है, टाइम पे रीपे किया है, बैंक की वजह से कुछ गलती हो गई, बैंक ने उसको टाइम पे क्रेडिट नहीं किया या बैंक का सिस्टम उस दिन नहीं चल रहा था, क्या ना जाने क्या हुआ, और उसकी वजह से आपका किसी मंथ पे, 2 महीने में, किसी मंथ पे बैंक ने उसको डिले रिपोर्ट कर दिया जबकि आपने टाइमली रीपे उसको किया था, टाइमली रीपे किया था। तो अगर इस तरह की चीजें आपके साथ हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चीज का डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा, आपको इस चीज का डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा, किसको रेज करना पड़ेगा, सिबिल वालों को, सिबिल वालों को रेज द डिस्प्यूट
इन रिटर्न टू सिबिल, या तो उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दीजिए, या तो उनकी वेबसाइट पे जाके डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, या उनको ईमेल डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं खाली आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कि ये डिस्प्यूट मतलब रेज कैसे करना है, मतलब लिंक कहाँ पे मिलता है वो चीज। पर मैं इसमें आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूँ, एक मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान देना चाहता हूँ कि आप इसमें क्या कीजिए। देखिए, मैं कहता हूं कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया, आपका सिबिल स्कोर जो 750 होना चाहिए था वो अभी 700 आ रहा है सिबिल स्कोर। ठीक है, मैं कहता हूं काफी चीजों में इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आप इस रास्ते को अपनाइए अपनाइए और रिपोर्टिंग को करेक्ट कराइए, इसको ठीक करवाइए। बट एक चीज आप अपने पास हमेशा रखिए, एक चीज आप अपने पास हमेशा रखिए, क्या कि आप सिबिल अपने आप जनरेट कीजिए, अपना अपने आप अपना सिंबल निकालिए। आपने मान लो बैंक में अप्लाई किया, बैंक ने बोला जी आपका तो वो क्रेडिट कार्ड था, वो तो दिक्कत चल रही है उसमें, ये है वो है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड था। आपको आप अपने आप अपना सिंबल निकलवाइए। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि ये सिंबल कैसे निकलवाते हैं और डिस्प्यूट कैसे रेज करते हैं, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए। सिंबल आप अपना अपना अपने आप जनरेट कीजिए, उसमें आपको पूरी डिटेल आ जाएगी लोन की, जो जो लोन्स आपके नाम पे आ रहे हैं, तो जो जिन लोन्स की बैंक भी बात कर रहा था, उसमें आपको बैंक का नाम लिखा आ जाएगा, उसमें आपको बैंक का नाम लिखा आ जाएगा कि कौन से बैंक ने वो लोन दिया था और उसका अकाउंट नंबर क्या था। बैंक का नाम आ जाएगा और अकाउंट नंबर आ जाएगा आपकी रिपोर्ट में, जो आप खुद निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब आप अपने बैंक के उस बैंक के पास जाइए जिसका नाम आ रहा है, उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि भाई साहब ये मेरी सिबिल रिपोर्ट है, इसका ये प्रिंट आउट है, ठीक है, इसमें आपके बैंक का नाम आ रहा है और ये लोन का अकाउंट नंबर आ रहा है, पर ये लोन तो मेरा है ही नहीं, आपने मेरी रिपोर्ट में इसको रिपोर्ट कैसे कर दिया, ये मेरा लोन तो है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा सर्कमस्टांस कि आपने इस लो, ये लोन तो मेरा ही था, आपने इस लोन में इस ईएमआई को 30 दिन लेट जमा दिखाया हुआ कि मैंने 30 दिन लेट जमा कराई, पर मैंने तो आपको देखिए ये प्रूफ है, ये रसीद है, मैंने आपको ये ईएमआई तो आपको टाइम पे करी थी, पर आपका बंदा ही नहीं सिस्टम चल रहा था, तो लगी नहीं सिस्टम में, या आपका सिस्टम उठा नहीं रहा था, तो मैं क्या करूं उस चीज में, राइट। या थर्ड कि मैंने आपका लोन पूरा कर दिया पे, तो ये 500 700 रुपए के चार्जेस जो आपने खड़े कर रखे हैं, मेरे को तो बताया ही नहीं, ना कम्युनिकेट किया गया, तो आपने इसको 3 सालों से पेंडिंग दिखा रखा है कि मैंने 3 साल से 500 700 रुपए नहीं दिए। तो मल्टीपल डिस्प्यूट्स हैं, तो आप अपने बैंक को बताइए, उस बैंक के पास जाइए। अब अगर मान लो पहला वाला लोन है कि आपका है ही नहीं लोन, तो आप बैंक से रिटर्न लेटर लीजिए, उनके लेटर हेड पे रिटर्न लेटर लीजिए कि भाई ये जो लोन है, ये लोन, ये अकाउंट नंबर वाला लोन इन महाशय के नाम पे नहीं है, मेरा नाम, इन महाशय जिनका ये पैन नंबर है, इन महाशय, जैसे मान लो मैं अपना नाम लिखता हूं कि अंकुश जैन, हैविंग पैन नंबर दिस, हैविंग आइडेंटिटी प्रूफ जरूर डलवाइए लेटर में, हैविंग पैन नंबर दिस दिस लोन 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 हैविंग अकाउंट नंबर दिस रिफ्लेक्टिंग इन द सिंबल ऑफ मिस्टर अंकुश जैन, हैविंग पैन नंबर दिस डज नॉट बिलोंग टू हिम एंड इट इज रिपोर्टेड इनकरेक्टली एंड इज बिलोंग टू समबडी एल्स, ये गलत रिपोर्ट किया गया है और ये किसी और को बिलोंग करता है, ये लेटर बैंक से रिटर्न में लीजिए और मैनेजर के स्टैंप साइन करवा के अपने पास जिंदगी भर रिकॉर्ड में रखिए, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी जगह पे लोन के लिए अप्लाई करें तो एटलीस्ट आपके पास जब भी कोई बैंक वाला ये सेम क्वेश्चन पूछे तो आपके पास इस चीज का एक रिटर्न प्रूफ पड़ा हो कि भाई ये चीज मेरे सामने हुई थी तो मैंने रिटर्न लेटर लिया हुआ है। ये अगर आपका था ही नहीं, तो अगर आपका ही था तो पे कर दिया, तो बैंक से आप एनओसी ले लीजिए कि भाई ये तो पे कर दिया था, और लेटर लीजिए कि भाई ये हमने रिपोर्टिंग गलत दिखा रखी थी, करेक्ट। अगर टाइम पे रीपे किया था, उन्होंने फिर भी डिले दिखा रखा है, तो बैंक को प्रूफ दीजिए कि भाई मैंने टाइम पे रीपे किया था, आपने गलत क्यों दिखा रखा है, तो बैंक की लेटर लीजिए कि भाई उसको हम बोलते हैं सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट लेटर, सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट लेटर, बैंक से लिटर में लेटर लीजिए कि भाई जो इस बंदे का ये हाउसिंग लोन फॉर एग्जांपल चल रहा है या ऑटो लोन चल रहा है हमारे साथ, इसकी कोई भी ईएमआई में कभी भी डिले नहीं हुआ, या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिखा रखा है कि मई 2021 की ईएमआई 30 दिन लेट जमा हुई थी, 30 डेज लेट जमा हुई थी, पर आपकी एक्चुअली में लेट थी नहीं, तो उनसे लेटर लीजिए कि भाई जो मई 2021 की रिपोर्टिंग आ रही है लेट जमा होने की, ऐसी ईएमआई कोई भी लेट जमा नहीं हुई, उनसे लेटर फॉर्मल लेके रखिए। ठीक
ठीक है, ये लेटर आपकी जिंदगी भर काम आएगा क्योंकि सिबिल का रिकॉर्ड आपके पास हमेशा बना रहता है। तो इस लेटर को लीजिए, तो ये लेटर लेके आप सिबिल टीम को ईमेल डाल सकते हैं, इन्फो इन्फो एट द रेट सिबिल डॉट कॉम पे उनको ईमेल डाल सकते हैं, पूरी अपनी हिस्ट्री लिख के कि मैं ये बंदा हूं, मेरा ये पैन नंबर है, मेरा ये आधार कार्ड है, ये मेरा रेजिडेंस एड्रेस है, ये मेरा सिबिल रिपोर्ट है, ये सिबिल रिपोर्ट मेरा अटैच्ड है जो आपने खुद जनरेट किया था, और इस सिबिल रिपोर्ट में ये लोन आ रहा है जिसकी इस तरह से रिपोर्टिंग है, और ये बैंक का लेटर मैं अटैच कर रहा हूं जिसमें बैंक ने ये लिख के दिया है कि ये लोन मेरे को बिलोंग नहीं करता, आप ये मैं रिक्वेस्ट लेटर भी दे रहा हूं आपको, आप कृपया करके इस लोन को मेरी हिस्ट्री से बाहर कीजिए, मेरी रिपोर्ट से इसको बाहर कीजिए। तो सिबिल टीम क्या करेगी, सिबिल टीम आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी, आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी, आपके जो बैंक है इससे क्रॉस चेक करेगी, आपके बैंक से क्रॉस चेक करेगी, क्रॉस चेक करने के बाद तो फिर सिबिल आपको आपका ये लोन जो है आपकी रिपोर्ट में से हटा देगी, आपकी रिपोर्ट में से डिलीट कर देगी, तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, आपकी रिपोर्ट ठीक कर देगी। ठीक है, तो जनरली इस चीज में ये जो प्रोसेस है सिबिल का ठीक कराने वाला, इसमें कई बार मिनिमम 30 दिन तो लगते ही लगते हैं, 30 डेज तो लगते ही लगते हैं, पर कई बार इससे ज्यादा ही लग जाते हैं, 45-60 दिन भी लग जाते हैं। तो 45-60 दिन तक तो कोई बैंक आपकी फाइल होल्ड करके रखने वाला है नहीं, तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, अगर मान लो आपको अर्जेंटली फंड चाहिए तो वैसे ही और फंस जाएंगे आप। तो इसी वजह से मैं हमेशा ये आपको गाइड करूंगा कि रिटर्न लेटर वाला फंडा लेके रखिए, और मैं बैंकर्स के क्रेडिट मैनेजर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप वो जो बोलते हैं ना कि हम कहते हैं कि क्लरिकल जो काला अक्षर भैंस बराबर, नहीं वो नहीं, वो नहीं, हम बोलते हैं ना कि लकीर के फकीर, सॉरी लकीर के फकीर जो बोलते हैं कि लकीर के फकीर नहीं बनना हमने, चाहे आप सेल्स वाले हैं चाहे आप क्रेडिट वाले हैं, लकीर के फकीर नहीं बनना, आप क्रेडिट रिपोर्ट को पढ़िए बंदे की, उसको समझिए कोई डेलिक्वेंसी है, अगर क्लाइंट जेन्युइनली कह रहा है कि मेरी नहीं है, आपको भी लग रहा है कि बाकी सारे लोन ठीक चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत लग रही है, और क्लाइंट ने आपको रिटर्न लेटर भी दे दिया बैंक से कि ये लोन मेरा है ही नहीं, या मैंने इसको टाइम पे रीपे किया था और बैंक ने इसको गलत रिपोर्ट किया हुआ है, लेटर दे दिया आपको लाके और आपको प्रूफ भी दे दिया कि मैंने टाइम पे जमा करवाया था, तो आप मान के उसको एक्सेप्ट कीजिए, हार्ड एंड फास्ट मत चलिए कि मैंने उसको पॉलिसी के हिसाब से चलना है। देखिए हर एक पॉलिसी में डेविएशन होती है केस करने की, कोई हार्ड रिजिड पॉलिसी नहीं होती किसी भी बैंक की, आजकल तो वैसे ही बिजनेस ओरिएंटेड है, तो ओपन माइंड होके चलिए आप भी थोड़ा सा, ताकि आप क्लाइंट जो जेन्युइन क्लाइंट है, जो जेन्युइन डिजर्विंग है जिसको लोन मिलना, वो बंदा इन इन टेक्नोलॉजी की वजह से मार ना खाए। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको पेमेंट हिस्ट्री करेक्ट रखनी है और उसमें इन बातों का खास करके ध्यान रखना है। ये डिस्प्यूट कैसे रेज करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूं। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, पेमेंट हिस्ट्री वाला पॉइंट आपको मैंने डिटेल में समझा दिया कि इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, देन जिसका वेट सबसे ज्यादा आता है वो आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होती है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होती है पहले तो इसको समझते हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन मतलब पहली बात, क्रेडिट यूटिलाइजेशन देखिए दो तरह के लोन्स होते हैं, एक तो रिवॉल्विंग लोन्स होते हैं, एक नॉन रिवॉल्विंग लोन्स होते हैं। ये वैसे मैं एक अलग वीडियो में समझा चुका हूँ रिवॉल्विंग और नॉन रिवॉल्विंग लोन्स के बारे में। रिवॉल्विंग लोन्स वो होते हैं जो आप बार बार यूज कर सकते हैं, जो आप बार बार यूज कर सकते हैं और रोटेट होते रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपका क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड की आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए की लिमिट मिल गई, तो आप 1 लाख की लिमिट को बार बार यूज कर सकते हैं। आपने मान लीजिए 1 लाख में से 50,000 यूज कर लिया, 50,000 यूज कर लिया, बिलिंग साइकिल कंप्लीट हुआ, आपने इसका पेमेंट कर दिया, आपने इसका पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब आपका 1 लाख रुपए आप फिर से 1 लाख तक आप फिर से यूज कर सकते हैं। तो बार 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 रिवॉल्व मतलब रोटेट होना कि इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। ठीक है, नॉन रिवॉल्विंग होते हैं कि एक ही बार यूज हो सकता है, एक ही बार यूज हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल आती है टर्म लोन्स की, किश्तों वाले लोन की, इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोन्स की, टर्म लोन्स, इंस्टॉलमेंट्स वाले लोन्स, जैसे कि आपका हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, ठीक है, मॉर्गेज लोन, एनी अदर लैप लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, जो किश्तों वाले लोन होते हैं। अब इनमें जैसे अगर मान लीजिए आपका 10 लाख का हाउसिंग लोन है, 10 लाख का हाउसिंग लोन है, आपने 10 लाख रुपए पूरा यूज कर लिया,
उसके बाद आपने 10 लाख रुपए जमा करवा दिया, पे कर दिया, आप खुद मेरे को बताइए कि क्या आप फिर 10 लाख रुपए दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं, नहीं यूज कर सकते। एक बार यूज कर लिया, उसके बाद आपने रीपे कर दिया, खत्म, फिनिश हो गया लोन, ठीक है ना? तो ये नॉन रिवॉल्विंग होते हैं। तो जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन वाला फंडा है ना, ये आपके सिर्फ रिवॉल्विंग लोन्स के लिए होता है, ये सिर्फ आपके रिवॉल्विंग लोन्स के लिए होता है। पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। तो मीन्स आपके क्रेडिट कार्ड हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, पर्सनल ओडी लिमिट्स, ओवरड्राफ्ट लिमिट्स आपने जो बना रखी हैं वो हो गई, तो उन लिमिट्स के लिए है ये, इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो दैट मीन्स जो हम ये बात कर रहे हैं 30% या 20% विंटेज वाली, ये आपकी रिवॉल्विंग क्रेडिट यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी इसमें हम क्रेडिट कार्ड के एग्जाम्पल से ही पकड़ेंगे, क्रेडिट कार्ड के एग्जाम्पल से ही चलेंगे, कैश क्रेडिट वगैरह सबके लिए सेम चीज ही है। तो क्रेडिट कार्ड है फॉर एग्जाम्पल आपका, क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की लिमिट ले रखी है, और 1 लाख का क्रेडिट कार्ड में से आप उसको हर महीने एवरेज मान लीजिए 90 हजार यूज कर रहे हैं, 90 हजार रुपये आप यूज कर रहे हैं, तो 90 हजार यूज कर रहे हैं, तो मीन्स आपकी 90% यूटिलाइजेशन है, 90% यूटिलाइजेशन है, ठीक है? तो 90% यूटिलाइजेशन है, तो मतलब ये काफी हाई यूटिलाइजेशन है, हाई यूटिलाइजेशन है ये। तो हाई यूटिलाइजेशन है, तो बैंक स्कोरिंग कंपनीज जो हैं इसको कंसर्निंग मानती हैं कि बंदा इतना नेक टू नेक होके चल रहा है, इतना मतलब कि उसको सारी लिमिट ही यूज करनी पड़ रही है, और वो कोई और लिमिट ही नहीं ले रहा, या उसको बैंक उसको लिमिट बढ़ा के ही नहीं दे रहा, ठीक है? तो इस तरह से कई तो स्कोरिंग मॉडल्स जो होते हैं वो सिंखाली, जैसे आप एक टाइम पे मान लीजिए आपके 5 क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं, 5 क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं, और सबकी लिमिट 1-1 लाख है, सबकी लिमिट 1-1 लाख है, और किसी में आपने 10 हजार यूज किया हुआ है एवरेज, किसी में 90 हजार यूज किया हुआ है, किसी में 30 हजार यूज किया हुआ है, किसी में 20 हजार। कई तो स्कोरिंग मॉडल्स क्या करते हैं कि सबका टोटल लगाते हैं और इनका सबका एवरेज निकालते हैं, और उसके बेस पे एवरेज काउंट कंप्यूट करते हैं। कई सिंगल सिंगल पे भी चलते हैं, कई सिंगल सिंगल पे भी चलते हैं, खैर जो यूजली है वो टोटैलिटी में चलते हैं, ठीक है? यूजली टोटैलिटी में चलते हैं। तो यूटिलाइजेशन अगर आप अपनी रिवॉल्विंग लिमिट्स की, कार्ड्स की, सीसी लिमिट्स की कम रखते हैं, तो ये अच्छा माना जाता है आपके सिबिल स्कोर को जनरेट करने के लिए, आपके क्रेडिट स्कोर के लिए। तो कम यूटिलाइजेशन होगी तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि कितनी कम यूटिलाइजेशन, मतलब कितनी यूटिलाइजेशन को अच्छा माना जाता है। अब देखिए, आप हंसेंगे, जो फाइको है या जो वेंटेज स्कोर है, स्कोरिंग मॉडल्स हैं, ये कहते हैं कि लेस देन 10% यूटिलाइजेशन हो, लेस देन 10% यूटिलाइजेशन हो। अगर 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया है तो आप क्रेडिट कार्ड एवरेज मतलब 10 हजार या उससे कम यूज करते हैं। अब देखिए, ये तो चीज प्रैक्टिकली मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली है कि बस सिर्फ खाली 10%, ये तो मजाक की बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है? तो यूजली ये एक्सपर्ट्स का, इंडस्ट्री का ये मानना जाता है कि 30% से बिलो अगर आप यूटिलाइजेशन अपनी रखते हो रिवॉल्विंग लिमिट्स की, तो दैट इज कंसिडर्ड एज गुड फॉर योर क्रेडिट स्कोर, फॉर योर क्रेडिट स्कोर। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, मैंने पॉइंट वाइज हाईलाइट की है आपकी नॉलेज के लिए। तो आपको अगर यूटिलाइजेशन कम रखनी है, अपना स्कोर इंप्रूव करना है क्रेडिट यूटिलाइजेशन वाइज, तो कैसे करेंगे? लोअर स्पेंडिंग करें पहले तो। अब लोअर स्पेंडिंग, आप कई लोग इस चीज से नाराज होंगे कि ये क्या बात हुई, लोअर स्पेंडिंग क्यों करें हम? तो हमें तो अगर कोई खर्चा जरूरी करना है तो हम करेंगे भाई, वो तो अपनी नीड है, पर कोशिश करें लोअर स्पेंडिंग करें, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दें, कैश पेमेंट कर दें, गूगल पे से पेमेंट कर दें, क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन कम रखें। दूसरी पॉइंट मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार लगती है, पे अर्ली बिफोर रिपोर्टिंग। भाई जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका 1 लाख रुपए का लिमिट है, तो आपने मान लीजिए उसमें से 40 हजार यूज किया, तो 40 हजार का एक बिलिंग साइकिल होता है, एक बिलिंग साइकिल होता है, ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट या बिल डेट होती है, एक स्टेटमेंट डेट या एक बिल डेट हम बोलते हैं ना, लास्ट डेट होती है ना, एक आपके सबके कार्ड पे डिफरेंट होती है, कि जिस दिन ये डिसाइड होता है कि ये 40 हजार रुपया ही रहेगा, कि मतलब उस दिन तक, उस अगर मान लीजिए आज आपका साइकिल स्टार्ट हुआ, तो उस दिन तक जो आपने यूज किया, मान लीजिए ये 21st है, 21st है, तो उस दिन तक जितना आपने यूज किया,
वही आपको पे करना पड़ेगा अगले 45 दिन के भीतर भीतर, यानी कि मतलब अगले जो भी साइकिल है आपका पेमेंट ड्यू डेट के अंदर। तो ये जो फिक्स करने वाली डेट होती है ना, इसको बिलिंग डेट बोलते हैं, स्टेटमेंट डेट या बिलिंग डेट, जिस दिन ये फाइनल हो जाता है कि इस दिन तक आपने जो यूज किया वो तक वो बिल आपको अगले 15 दिन में, 20 दिन में, जितना भी आपका साइकिल है उसमें पे करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो जो दिन ये फिक्स होता है ना, उस दिन आपका यूटिलाइजेशन फाइनल हो जाती है कि आपने इतनी यूटिलाइजेशन की, और फिर क्रेडिट कार्ड जो बैंक्स होते हैं वो क्रेडिट कार्ड की वही यूटिलाइजेशन सिविल अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर देते हैं, सिविल को रिपोर्ट कर देते हैं। तो आपके सिविल रिपोर्ट में वही यूटिलाइजेशन आ जाती है कि भाई 40,000 रुपये इस बंदे ने यूज किया। तो भाई ये डेट आपकी फिक्स होती है, हर एक बंदे को पता होता है कि इस डेट तक का डाटा लेना है उन्होंने, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो अपने कस्टमर केयर से पूछ लीजिए। तो आप क्या करें, 20 तारीख को वो पेमेंट जमा करा दें, 20th को 40,000 रुपये जमा करा दें, पे कर दें, 40,000 नहीं तो 30,000 जमा करा दें 20th को, 10,000 रुपये मतलब जो ड्यू डेट आएगी तब जमा करा देना, थोड़ा सा एडवांस हो जाइए, समझदार हो जाइए, 20th को 30,000 जमा करा दीजिए। तो उससे क्या होगा, तो 20th को 30 पूरा महीना आपने यूज किया 40,000 रुपया, तो 21 तारीख को जब वो 40,000 रुपये फाइनलाइज होकर आपके बिल में आना था, तो उससे एक दिन पहले आप पैसे जमा करा दीजिए क्रेडिट कार्ड में। तो क्या होगा उससे, तो जब आपका बिल बनेगा 21 तारीख का, तो वो कितने का बनेगा, 10,000 का। तो आपके सिविल रिपोर्ट में कितनी अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी यूटिलाइजेशन की, चाहे आपने पूरा महीना 40,000 ही यूज करके रखा था, सिविल में कितनी अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये 1 लाख के अगेंस्ट तो कितना बना, 10% ही बना। तो आपकी जो है वो यूटिलाइजेशन कम दिखेगी सिविल में ऑब्वियसली, तो उससे आपका जो स्कोर है वो कुछ इंप्रूव हो जाएगा। तीसरा जो मेरे को भी कई बार सोचता हूं कि मैं कर लेना चाहिए, अब अगर फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एबीसी बैंक का कार्ड है, तो उसमें मेरे को 3 लाख रुपए की लिमिट है। वो एबीसी बैंक मेरे को कब से कह रहा है कि सर आप 5.5 लाख की लिमिट के लिए एलिजिबल है, 5.5 लाख की लिमिट के लिए एलिजिबल है, आप ले लीजिए लिमिट। मैं ले ही नहीं रहा, मैं एवरेज यूज ही 3 लाख की लिमिट में से 50,000 रुपये ही करता हूँ यूज एवरेज, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 1.5-2 लाख यूज कर रहा होता, और सामने वाला बैंक मेरे को बोल रहा है कि आप 6 लाख की लिमिट हम दे रहे हैं आपको, 6 लाख की लिमिट लीजिए, हमसे 6 लाख की लिमिट लीजिए, तो मैं बढ़ा लेता हूँ भाई लिमिट, 6 लाख की लिमिट मैं बढ़ा लूंगा। तो यूज तो मेरे को 1.5-2 लाख ही करना है, तो 6 लाख के कहां, मैं 3 लाख के अगेंस्ट 2 लाख यूज कर रहा था, जो कि 7 मतलब 60-70% यूटिलाइजेशन बनती है, कहां 6 लाख के आगे 2 लाख यूज करूंगा जो 33% यूटिलाइजेशन बनती है। तो फिर मेरा जो स्कोर है वो कुछ यूटिलाइजेशन परसेंटेज ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। पर इसमें वही है कि कई लोग इसे समझते हैं कि मतलब ज्यादा क्रेडिट कार्ड हायर लिमिट लेने से थोड़ा ऑनलाइन कोई फ्रॉड फ्रूड ना हो जाए हमारे साथ, इतना बड़ा लिमिट रहा होगा तो फ्रॉड का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो वो चीजें आपकी सेकेंडरी हैं, वो आप अपना ध्यान रखिए। खैर इस टॉपिक के मद्देनजर रखते हुए तो मैं इस चीज को जरूर बोल दूंगा कि ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। न्यू क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि भाई जो क्रेडिट कार्ड है वो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड की एवरेज निकल जाती है, तो आप न्यू क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। और बैंकों के साथ, अभी मैं एक शॉप पे, जब भी 4 घंटे पहले की बात है, मैं शॉपिंग करने गया था, मैंने वहां पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, तो वो शॉपकीपर मुझे जानता था, तो वो बात करने लगा कि मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए खुद को, आप अपने बैंक से बनवा दीजिए बोल के। फिर वो अपने क्रेडिट कार्ड दिखाने लग गया, 7-8 बैंकों से क्रेडिट कार्ड उसके ऑलरेडी थे, 7-8 बैंकों के साथ ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड थे। कहता मैं यूज यूज नहीं करता उन क्रेडिट कार्ड को। तो हर एक बैंक की मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए की लिमिट मिली हुई थी उसको, यूज वो मान लो एक आध बैंक ही करता है, तो उन्होंने एवरेज उसकी यूटिलाइजेशन परसेंटेज तो कम हो गई ना सबकी मिला के, ठीक है। तो उस तरह से उसकी परसेंटेज डाउन आ सकती है यूटिलाइजेशन की। तो इसमें आपको रिस्क क्या है, अगर आप नए क्रेडिट कार्ड और बैंकों से लेते हैं तो आप मल्टीपल बैंकों में अप्लाई करेंगे, मल्टीपल बैंक्स में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी लोन इंक्वायरीज बढ़ जाएंगी, लोन इंक्वायरीज बढ़ जाएंगी, और ये रिपोर्ट हो जाएगा कि आप रिसेंटली बहुत ज्यादा लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ये वाला पैरामीटर हिट हो जाएगा, ये वाला पैरामीटर हिट हो जाएगा रिसेंट लोन्स वाला। तो जो इस लोन की ये 11% वेटेज है, इसमें आपका स्कोर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, हालांकि इस वाले पैरामीटर में जिसमें 20% वेटेज है, इसमें आपका स्कोर थोड़ा सा अप हो जाएगा, ठीक है, इसमें डाउन हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इसकी वेटेज कम है, 11% है, इसकी वेटेज ज्यादा है, तो आप इस चीज को इंप्रूव करने में लगे हैं और थोड़ा सा ये चीज खराब होगी तो नटशल में तो आप इंप्रूवमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, सॉरी इस चीज इसमें इंप्रूवमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। कीप ओल्ड एंड अनयूज्ड अकाउंट ओपन। अब कई बार हम क्या करते हैं कि 5 साल पहले, 5 ईयर्स बैक हमने कार्ड लिया था,
5 ईयर्स बैक हमने कार्ड लिया था, एक पॉइंट ये समझाना है अभी, मैंने 5 ईयर्स बैक मैंने कार्ड लिया था जिसको मैंने कभी यूज नहीं किया, ठीक है, तो यूज नहीं किया तो मैं उसको सोचता हूँ कि मैं बंद करा दूँ। वैसे मैंने भी प्रैक्टिकली 2016 में एक क्रेडिट कार्ड बनवाया था, पर मैंने यूज नहीं किया तो मैंने 2017 में उसको बंद करा दिया। उसके बाद मैंने 2018 में उसी बैंक से दोबारा ले लिया जो अभी तक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने एक्चुअली 5 साल पहले बंद कराने की मेरे को जरूरत ही नहीं थी, उसको पड़ा रहने देता, किसी और बैंक से ले लेता, ठीक है, वो खाली पड़ा रहता, चाहे कभी इमरजेंसी यूज के लिए मेरे यूज आ जाता। तो उससे क्या होता कि मेरा एक दो फायदे होने थे मेरे को, एक तो इस पैरामीटर में मेरे को फायदा हो जाना था एज वाले में, कि मेरी एक हिस्ट्री 5 साल पुरानी भी चल रही है अभी तक, उसमें मेरे को स्कोर का बेनिफिट हो जाना था। दूसरा, मेरा एवरेज यूटिलाइजेशन में मेरे को बेनिफिट हो जाना था, कि भाई मेरे पास वो अनयूज्ड कार्ड ही पड़ा है, उसको यूज तो मैंने किया नहीं, लिमिट पूरी पड़ी है उसकी, और मेरी एवरेज यूटिलाइजेशन डाउन आ जानी थी, ठीक है, तो उसका मेरे को बेनिफिट हो जाना था। तो ये जो मैं पिछला पॉइंट आपको समझा रहा था कि नए कार्ड ले लीजिए, नए कार्ड ले लीजिए, इसमें एक तो आपको ये मोर इंक्वायरीज वाला रिस्क हो जाएगा, मोर इंक्वायरीज वाला रिस्क हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपको रिस्क हो जाएगा ड्रॉप इन एवरेज एज का। ड्रॉप इन एवरेज एज का रिस्क कैसे हो जाएगा, जैसे ये 5 साल पहले वाला कार्ड मैंने आपको बताया कि मेरी 5 साल पहले का कार्ड है, बैंक स्कोरिंग कंपनी बोल रही है कि यार ये बंदा 5 साल से क्रेडिट कार्ड चला रहा है और 5 साल से कंडक्ट बिल्कुल ठीक है, ये तो बंदा ही बड़ा बढ़िया है। और अब अगर मैंने ये रिसेंट क्रेडिट कार्ड ले लिए, तो ये मान लीजिए ये 1 क्रेडिट कार्ड मेरा 5 साल पुराना चल रहा था, अभी 6 महीने रिसेंट ले लिए, 6 महीने रिसेंट ले लिए, अभी विद इन 1 मंथ ले लिए या विद इन 3 मंथ ले लिए रिसेंटली, तो मेरी कहां ये 5 साल की एज, कहां ये 3 मंथ्स की एज, वो भी 6 कार्ड्स की, ये 1 कार्ड की। तो जब इनकी वेटेड एवरेज निकालेंगे तो ये निकल के आएगा कि ये एवरेज एज मेरी कम हो रही है, एवरेज एज मेरी कम हो रही है, ठीक है, तो उससे मेरे को नुकसान होगा, उससे मेरे को इस पैरामीटर में नुकसान होगा। तो फिर मैं अगर हम नटशल में देखें तो ये जो पैरामीटर है आपका, दो पॉइंट पे आपको नुकसान दे रहा है। एक तो आपको नुकसान दे रहा है रिसेंट लोन वाले में, इधर आपका स्कोर गिरा रहा है, और दूसरा इधर वाली साइड पे आपका स्कोर गिरा रहा है। तो नटशल में ये चीज मेरे व्यू में अवॉइडेबल है, इस चीज इस डायरेक्शन में आप मत जाइए, ये अवॉइडेबल है, क्योंकि दो जगह पे आपका स्कोर हिट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट समझ गए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे को ये वाला लगा था, ठीक है। तो और क्या है स्कोरिंग फैक्टर्स, एज एंड मिक्स ऑफ क्रेडिट। एज वाला पॉइंट मैं आपको अभी समझा चुका हूं कि ये एवरेज एज ऐसे निकाली जाती है कि आपका जो लेटेस्ट है या कितना पुराना कोई चल रहा है आपका, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि जो पुराने लोन्स हैं उनको बंद करने की तरफ मत जाइए। ये मत सोचिए कि यार इनको बंद कराओ, खत्म करो खत्म करो, मैं ठीक है ईएमआई जा रही है, टाइम पे ईएमआई पे कर रही है, आपको कुछ चलता नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो पे करते रहिए, आपकी एज बन रही है, एक विंटेज बन रही है, जैसे हम बिजनेस में कहते हैं कि भाई इतनी विंटेज वाला बंदा है, 50 साल से बिजनेस कर रहा है, क्या बात है, ये बंदे को तो सब कुछ ऊपर नीचे का सारा हिसाब पता होगा। तो एज उसी तरह से आपकी लोन हिस्ट्री की एज, कि 5 साल से लोन चला रहे हैं तो वो मैटर करती है। तो अगर कोई लोन है आपको दिक्कत नहीं कर रहा, टाइम पे चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो पे करते रहिए उसको। मिक्स ऑफ क्रेडिट, मिक्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जैसे ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जैसे पर्सनल पर्सनल लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स हैं, जो 15-15% 20-20% पे ब्याज पे मिलते हैं, ये उन लोगों को मिलते हैं जिनको मार्केट में और कोई लोन दे के राजी नहीं है। यार देखो आज की डेट में 7-8% ब्याज की दर पे आपको इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, ये 15-15 20-20% वाले महंगे लोन कौन उठाने जाता है मार्केट में? एक तो वो बंदा जाता है जो फाइनेंशियली टाइट है, कि वो मार्केट को 15-20% ब्याज देने को तैयार है, जबकि मार्केट में एवरेज रिटर्न 10-12% निकलती है। आप म्यूचुअल फंड्स में लगाएं या किसी भी तरीके से लगाएं, 10-12% बंदा रिटर्न निकाल पाता है अपनी इन्वेस्टमेंट से, और पे करना जा रहा है बैंक को ब्याज 15-20% का, ठीक है। तो वो बंदा तो वो ही है ना कि बंदा किसी तरह से टाइट और फंसा हुआ बंदा ही हो गया ना, ठीक है। तो अगर आपकी लोन में आपने अपनी जिंदगी में खाली अनसिक्योर्ड लोन्स ही लिए, तो आपको कोई बैंक, यानी कि आपके पास प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं है किसी बैंक से सिक्योर्ड लोन लेने के लिए, या आपको कोई बैंक और सिक्योर्ड लोन दे ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि ये बंदा तो रिस्की है, इस बंदे से तो ज्यादा ब्याज चार्ज करो, इसको तो अनसिक्योर्ड वाला ही लोन दो, ठीक है। तो इस तरह के लोन्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपकी स्कोरिंग की हिस्ट्री जो है वो खराब हो जाती है, आपका स्कोर कम हो जाता है, हालांकि चाहे आप इनकी टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो, चाहे आप इनको टाइमली रीपे कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, खाली एक ही तरह का लोन हो तो वो
आपके लिए दिक्कत वाली बात है, तो एक मिक्स रखिए, रिवॉल्विंग मतलब क्रेडिट कार्ड्स वाले लोन रखिए, ईएमआई वाले लोन अपने लोन में रखिए, सिक्योर्ड लोन यानी कि मॉर्गेज हाउसिंग लोन या जिसमें आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है वो वाले लोन रखिए, अनसिक्योर्ड लोन्स रखिए, इन सबका एक मिक्स बैग मेंटेन रखिए। जैसे हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, कि एक बास्केट में सारे एग्स मत डालिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाइफर्केट करके रखिए। उसी तरह से आपका जो लोन पोर्टफोलियो है, आप अपने लोन पोर्टफोलियो को भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोन्स में बाइफर्केट करके रखिए। ऑटो लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इस तरह से एक मिक्स बैग बना के चलेंगे तो आपका स्कोर बेहतर बनेगा। हाँ, टाइमली रीपेमेंट आपको सबकी करनी है, पर मिक्स बैग बना के चलिए, ठीक है? तो इसका 20% फैक्टर हो गया। तो देखिए, अगर आप लगा के चले 40-20-20, 80% सिबिल स्कोर तो आपका इन्हीं तीन तीन चीजों की वजह से इंपैक्ट होता है, 80% आपका क्रेडिट स्कोर वेंटेज के अकॉर्डिंग इन्हीं चीजों से इंपैक्ट होता है, और इन भाई साहब के अकॉर्डिंग 35 और 25 कितना हो गया, 60, 60 और 30 90%। फाइको मॉडल के अकॉर्डिंग 90% ऑफ योर क्रेडिट स्कोर इज इंपैक्टेड ड्यू टू ओनली दीज फैक्टर्स, ठीक है? तो अगर आप इन फैक्टर्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो आपका स्कोर इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? कुछ फैक्टर्स और हैं रीसेंट लोन्स वाला, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि रिसेंटली आपने बहुत सारे लोन्स के लिए अप्लाई किया तो आपकी लोन इंक्वायरीज काफी बढ़ गई सिबिल के अंदर, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर, तो उस चीज से दिक्कत है, तो वो चीज आपकी स्कोरिंग को कम करती है, तो उस चीज के ऊपर कंट्रोल रखिए अपना। एक्सपोजर, ज्यादा एक्सपोजर मतलब इन चीजों पे मैं पूरे डेप्थ पे नहीं जा रहा, एक्सपोजर मीन्स कि आपने कितना ज्यादा डेट उठा रखा है, करोड़ों के लोन उठा रखे हैं, ठीक है? तो ये चीज आपकी स्कोरिंग को कम कर देती है कि लोन ही लोन आपके सिंपल में लोन ही लोन भरे पड़े हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक पॉइंटर है आपके लिए इंपॉर्टेंट। कई बार सिंपल में क्या होता है, या आपके क्रेडिट रिपोर्ट कोई भी लगा लीजिए, चाहे एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रिफ, सिबिल, कोई भी, उसमें क्या होता है कि आपका कोई लोन था, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का ऑटो लोन लिया, ठीक है, 5 साल का लिया, आपने उसको मतलब रीपे कर दिया है, मान लीजिए 3 साल बाद आपने उसको रीपे कर दिया, या ज्यादातर ये अर्ली रीपेमेंट वाले केसेस में होता है, 3 साल बाद आपने उसको रीपे कर दिया पूरा का पूरा। जब आपने रीपे किया तो उस टाइम इसमें 2 लाख रुपए देने वाले रहते थे या 4 लाख रुपए देने वाले रहते थे, आपने 4 लाख रुपए इकट्ठे जमा कराए और इसको बंद कर दिया, पर बैंक ने इसको सिबिल को रिपोर्ट किया ही नहीं कि ये लोन बंद हो गया, उन्होंने क्लोजर का रिपोर्ट किया ही नहीं बैंक ने, तो क्या होगा उससे, उससे फालतू में ये 4 लाख रुपए दिखता रहेगा आपके सिबिल में कि 4 लाख रुपए का एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग है, जबकि वो एक्सपोजर आपका क्लोज हो चुका है। तो अगेन सेम पॉइंट रिपीट कि सिबिल अपने आप निकालिए, ये पॉइंट्स भी चेक करने हैं, साथ में वो पॉइंट्स भी चेक कीजिए, कोई लोन ऐसा तो नहीं जो बंद हो गया हो, जो मतलब ऑलरेडी इसमें आ भी गया वैसे तो वो पॉइंट, पर ये मैंने चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था, पर आपने वो बंद कर दिया, पर मान लीजिए ये चार्जेस वाला इशू नहीं था, आपने पे कर दिया हुआ है लोन, पर सिबिल ने उसका फिर भी 4 लाख रुपया दिखा रखा है, उस मतलब क्यों दिखा रखा है, क्योंकि बैंक वालों ने अपडेट ही नहीं किया कि ये लोन बंद हो गया है, बैंक वालों ने क्लोज्ड का अपडेट ही नहीं दिया सिबिल को, तो उससे फालतू में आपका डेट दिखा रहेगा कि 4 लाख का डेट है, 4 लाख का डेट है इस बंदे पे, जबकि वो डेट है ही नहीं। तो वही चीज आपको डिस्प्यूट रेज करना है, बैंक से लेटर लेनी है, एनओसी डिस्प्यूट रेज करना है और उसको अपने सिबिल में से हटाना है, तो ये चीज का ध्यान रखें। तो ये चीजें हैं जो आपके स्कोरिंग मॉडल को इंपैक्ट करती हैं, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्कोरिंग को इंप्रूव भी कर सकते हैं, करेक्ट हो गया? तो दूसरा मैंने आप ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा, हाउ टू चेक सिबिल स्कोर एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट। देखिए, मैंने अभी आपको समझाने से पहले टेस्ट बेसिस पे पहले खुद का निकाल के देखा था कि भाई मैं कुछ गलत ना बोल बता दूं वीडियो के टाइम पे। या तो आप सिबिल की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे आपको 550 रुपये देने पड़ेंगे, 550 रुपये देने पड़ेंगे अपनी रिपोर्ट, सिबिल रिपोर्ट निकालने के लिए, जो डिटेल रिपोर्ट आएगी जो मैंने आपको यहाँ पे जैसे गाइड किया, ये वाली रिपोर्ट, ठीक है? डिटेल रिपोर्ट आएगी जिसमें लोन अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है? 550 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे सिबिल की साइट पे जाके। या आप चले जाइए पैसा बाजार.com पे, पैसा बाजार.com पे चले जाइए, वहां पे आपको बेसिक सिबिल मिल जाएगा, बेसिक सिबिल मिल जाएगा, ठीक है? बेसिक इक्विफैक्स भी मिल जाएगा, एक्सपीरियन रिपोर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? क्रिफ रिपोर्ट भी मिल जाएगा,
बेसिक वाला, ठीक है, उसमें बेसिक में क्या रहता है कि बैंक का नाम आता है पर अकाउंट नंबर नहीं बताते ये कि अकाउंट नंबर क्या था लोन का, और भी एक दो चीजें डिटेल्स जो है वो हाइड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको सिबिल स्कोर भी पता लग जाएगा, इक्विफैक्स स्कोर भी पता लग जाएगा, एक्सपीरियंस स्कोर भी पता लग जाएगा, क्रिप स्कोर भी पता लग जाएगा, ये है एब्सोल्युटली फ्री। मैंने अभी चेक किया था, मेरा सिबिल स्कोर 779 है बाय द वे, ठीक है। ये इक्विफैक्स स्कोर मेरा पता नहीं क्या था, 850 था। क्रिप स्कोर मेरा सबसे कम था, पता नहीं क्यों, 720। मैंने आज तक जिंदगी में एक क्रेडिट कार्ड ही लिया है। हाँ, फिर वो भाई वही बात आ जाती है कि सर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपका ये मिक्स ऑफ क्रेडिट वाला रूल आप पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो पेमेंट हिस्ट्री की एज आपकी कम है, ठीक है, तो आपके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। कुछ मैं मतलब बैंक में जॉब करता हूँ या कुछ अदरवाइज मेरी लोन इंक्वायरीज बीच में आई हुई है, पता नहीं क्यों आई हुई है, तो उस वजह से माइट भी कम हुआ हो, तो डिफॉल्ट कोई भी नहीं हुआ बाय द वे। तो ये चीज, तो paisabazaar.com पे चले जाइए। अगर आपको वहां पे बेसिक की जगह डिटेल्ड सिबिल निकालवाना है, अच्छे वाला सिबिल निकलवाना है, तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, 500 रुपये देने पड़ेंगे और निकाल लीजिए, ठीक है। तो इतने से खर्चे की बात है और ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, गूगल पे गए, गूगल बाबा जी की जय, paisabazaar.com, पैसा बाजार, यहाँ पे गए, पैसा बाजार की साइट को खोला, यहाँ पे गए, गेट चेक नाउ, ये देखिए, ये मेरे को लॉगआउट करके दिखाना पड़ेगा, ये मेरा जो मैंने अभी निकाला था ना सिंपल, हाँ, यहाँ पे गेट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट जो फर्स्ट टाइम यूजर है, बस यहाँ पे जाना है सिंपल। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फुल नेम डालना है एज पर योर बैंक रिकॉर्ड्स, जो बैंक में आपका फुल नेम रिफ्लेक्ट होता है वो डालना है, ईमेल एड्रेस जो आपका बैंक में है वो आपको डालना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर आपका जो बैंक में है वो आपको डालना है। जब आप जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए, देन आपको वो डालना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको सिबिल रिपोर्ट, इक्विफैक्स रिपोर्ट, एक्सपीरियन रिपोर्ट और क्रिफ रिपोर्ट, ये सारी चारों ब्यूरोज की रिपोर्ट जो है वो आपको आ जाएंगी। गेट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, ये करने के बाद मोबाइल फोन वेरीफाई हो जाएगा, गेट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देन वहां पे जाके आप आएंगे कि आपसे वो पूछेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और आप क्या बिजनेस करते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है, तो वो पूछेंगे, वो आप सिंपल भरेंगे तो आप जनरेट करेंगे, तो आप सीधा उनके पेज पे आ जाएंगे और वहां पे आप ये चारों रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे चारों का सेपरेट सेपरेट वो भी चेक कर सकते हैं, स्कोर भी चेक कर सकते हैं। एंड देन एक सेकेंड, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे यहाँ पे साइन इन करके मैं ये दिखाने में मेरे को मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वो मैं करना नहीं चाहता अभी लाइव वीडियो पे। तो आपको बेसिकली वहां पे जाके खुद ही मतलब सेल्फ वो है मतलब आपको खुद खुद ब खुद वो समझ आ जाएगा चीज। तो वहां पे जाके जब आप सिबिल रिपोर्ट, जब आपके सामने चारों रिपोर्ट्स आ जाएंगी, सिर्फ एंटर डिटेल इतनी करनी है, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। वहां पे जब आप सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे तो वो आपको पूछेगा कि भाई आपको बेसिक रिपोर्ट डाउनलोड करनी है या डिटेल्ड वाली करनी है। अगर आप बेसिक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वहीं के वहीं आ जाएगी डाउनलोड होकर आपके सिस्टम पे। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को डिटेल्ड वाली करनी है तो वो आपसे 500 रुपये मांगेगा, 500 रुपये जमा करा दीजिए और डिटेल वाली डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन ही पे कर दीजिए 500 रुपये। तो खैर इतना सा ही काम है सिबिल स्कोर जनरेट करने का। अब मैं आपको वो दूसरी चीज दिखा देता हूँ, sibil.com पे जाइए, sibil.com, यहाँ पे आपको जाना है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, और यहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट को साइन, आपको अपना एक लॉग इन जनरेट करके यहाँ पे आपको जो कंज्यूमर का डिस्प्यूट है आपका, जो भी आपको दिक्कत है सिबिल के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे फाइल इन करनी है, यहाँ पे फाइल इन करनी है पहले लॉग इन करके, आपको आईडी क्रिएट करके अपनी, और यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे तो आपको वहां पे जाके डिटेल्स आएंगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स ही आएंगी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे आपको जाना है और वहां पे आपको डिस्प्यूट रेज करना है।
तो डोंट फॉरगेट कि चाहे अगर आपके सिबिल में कोई गलत रिपोर्टिंग है या कुछ है तो आप ये डिस्प्यूट रेज करिए करिए, ताकि आपका जो सिबिल स्कोर है वो ठीक हो जाए और आपको लोन्स देने में दिक्कत ना आए किसी बैंक को, ठीक है। पर मीनवाइल ये रिटर्न लेटर्स वाला काम जरूर करके रखिएगा अपने पास, इसमें कोई वो पीछे मत हटिएगा, ये चीज में कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये काम आपको करके रखना ही रखना है बैंक की तरफ, बैंक को, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और पॉइंट मेरे माइंड में नहीं आ रहा जो मैं मिस कर रहा हूं और आपको बताना रह गया हो। अगर आपको कोई लगता हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट पे लिखिए, तो मैं आपको वहां पे रिवर्ट कर दूंगा। बट आई थिंक मैंने सफिशियंट आपको नॉलेज दे दी है इसके रिगार्डिंग, मेरे हिसाब से आपका फंडा क्लियर हो गया होगा इसके रिगार्डिंग। तो प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे चलना है, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बाकी मैं जो नेक्स्ट संडे वीडियो बनाऊंगा, वो जो मैं आपको डिड्यूक्स का ये टॉपिक सारा सिखा रहा हूँ, चेकिंग का, एक्सटर्नल चेकिंग का, वो उसका लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम कोई नया टॉपिक या नई चीज स्टार्ट करेंगे अंडरराइटिंग में। तो नेक्स्ट संडे मिलते हैं आपसे, तो अभी के लिए गुड बाय। तो हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू।